देख बेटा बता दे शराब से, इसी में तेरी बेहतरी है। सर मैं नहीं जानता सर। पहले कहता है कि दोस्ती थी, फिर कहता है कि नहीं जानता। शराब से नहीं बताएगा ना? सर दोस्त तो थी, लेकिन सर दोस्ती कैसे हुई थी? सर फोन पे हुई थी सर। रॉन्ग नंबर? हाँ सर रॉन्ग नंबर। सब कुछ गुना लगाने वाली ने तुझे कैसे छोड़ दिया? मोहब्बत हो गई थी क्या लड़के? नहीं सर मोहब्बत नहीं हुई थी, ट्राई उसने मुझ पे भी किया था मगर मैं ट्रैप नहीं हुआ उससे। और फिर उन्होंने तुझे इस्तेमाल करके अपना रास्ता साफ कर दिया है ना? सर ऐसा ही समझ लीजिए सर। नहीं भाई कहानी कुछ जमी नहीं, एक काम कर थोड़ी हवा खा ले, थोड़ी हवा भगत होगी, हिलेगा जुलेगा तब तेरी समझ में आएगा कि अगर शराफत से बता देता तो ही बेहतर था। हामिद सर मैं सच कह रहा हूँ सर। लेके जा इसको, थोड़ी सी खातिरदारी कर। मैं थक गई थी सलमान जॉब कर करके, इसलिए तंग आ गई थी। तो तुम्हारे भाई वहाँ पर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, इसलिए तो मुझे जॉब करना पड़ी और उन्होंने मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दी, इसलिए मुझे कराची आना पड़ा। अच्छा हुआ ना यहाँ आ गए तुम। क्यों अच्छा हुआ, घर वालों से इतना दूर रहना पड़ता है, अजीब तन्हा जिंदगी हो गई है। खुद को इतना तन्हा क्यों समझते हो तुम? मैं नहीं हूँ क्या यहाँ पर? हो तो, लेकिन अच्छा अब ये बताओ जॉब नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? वापस चली जाऊंगी। तुम्हारे घर वालों को इशू नहीं होगा? इशू होता है तो होता रहे, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, उन्होंने तो मुझे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझ रखा है। अच्छा बस बस तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सलमान, मैं क्या करूँ? अच्छा हम कल परसों मिलते हैं ना, फिर बैठ कर बात करते हैं आराम से। ठीक है। वो फुटेज निकलवा लिया आपने? जी मैंने लड़के को कह दिया है, वो लेके आता होगा। आप सर ठंडा लेंगे या चाय? पानी ठंडा। नदीम एक गिलास पानी लेके आना सर के लिए। ट्रैकर कंपनी चक्कर लगाया था मैंने। अच्छा उनके रिकॉर्ड के मुताबिक आखिरी बार आपकी गाड़ी सौरभगढ़ के पास ट्रेस हुई है, उसके बाद ट्रैकर भी गायब। वो सर आपको मैंने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी पूछवा दी थी, मिल गई आपको? चेक करवा लिया मैंने, जा लिया। आप लोग NIC के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं रखते जैसे घर की मालूमात, जॉब वगैरह? जी सर पहले करते थे, लेकिन कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेन आने लगी कि वो पर्सनल मालूमात हमसे क्यों शेयर करें, इसलिए फिर हमने तो वो श्योरिटी लेने वालों की भी NIC निकलवाए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चला उनका। उनके नाम और NIC भी जानी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसे शख्स को शक क्यों नहीं हुआ। सर ये मेरे वहमोगुमान में भी नहीं था, अच्छे खासे घर की पढ़ी लिखी लड़की, अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ होता किस नीयत से आ रही है। जी सर ये वो फोटेज हैं। कितने विजिट किए थे उन्होंने? दो। जरा दोनों क्लिप दिखाइएगा। ये पहली वाली है, वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। बाहर ये जो ब्लैक कलर में गाड़ी खड़ी है हमें वाइट कलर में चाहिए। ये वाला मॉडल? जी। इसमें वाइट देखना पड़ेगा। ठीक है तुम क्या कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि जो तुम्हें पसंद है वो देख लो, क्योंकि घूमना तो आखिर तुम्हें ही है। देखा कितना फरमाबरदार शौहर है मेरा। तो फिर ये डन हो गई। लेकिन मैडम
ये मॉडल इस कलर में मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। आप इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं देंगे? इतना भी नहीं कर सकते आप मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, अरेंज करके देनी होगी भाई, मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह मैं करता हूँ कुछ। ऐसा करें, आप अपना नंबर दे दें मुझे ताकि मैं कॉन्टेक्ट में रहूँ। जी लिख लीजिए। पता नहीं, लेकिन हर दूसरे हफ्ते एक बड़ा डिपॉजिट होता है। वाह भाई, बड़े मज़े हैं इनके तो। खैर, तुमने कोई कॉल सुनी उनकी? यार मौका ही नहीं मिला, लेकिन कोशिश करूँगी। तसल्ली कर लो, ऐसा ना हो कि कोई टेढ़ा बंदा ही ना टकरा जाए। अच्छा ठीक है। और हाँ, वो पांचों अकाउंट्स की डिटेल तो सेंड कर दी है ना? हाँ हाँ कर दी है। और हाँ, तुम छुट्टियों पर कब से जा रही हो? बस अगले हफ्ते से ही। चलो यार, अगर पाँचों ही हाथ लग गए ना तो इस बार 2-3 महीने की छुट्टी तो तुम्हारी भी। अच्छा सुनो वो। हाँ हाँ, तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूँ? हाँ हाँ, जैसा तुम चाहो, बस ज़रा एहतियात से। अपने कॉल सेंटर के लोगों का तो कोई मसला नहीं है, मगर बैंक का स्टाफ बहुत होशियार है। और वो हाँ, चाचा आए थे क्या बैंक में? हाँ, वो चाचा तो मैनेजर के सामने अड़े हुए थे। उन्हें लूटने की इस वारदात में बैंक का कोई शख्स मुलविस लगता है। ये सारी लीगल चीज़ें हैं आपके सामने। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेटर हेड तो आप ही के बैंक का सवाल हुआ है ना? जाली लेटर हेड तो कोई बना सकता है सर। अगर वो उसी वक्त चेक करवा लेते तो हम फौरन मदद कर सकते थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जुम्मे की शाम को पेमेंट हुई है तो उन्होंने पीर को चेक करवाना था ना? ये भी है। अब बताइए, आपके साथ क्या तआवुन कर सकते हैं? आपने वो अकाउंट की सीरीज चेक करवाई? टाइटल तो दूर, ये सीरीज़ हमारे बैंक की है ही नहीं। तो फिर किस बैंक की हो सकती है? आप मुझे शाम तक का वक्त दें, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करके इसकी तफसीलात मालूम कर सकूँ। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, जानता हूँ कि इससे आपका डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कब कहाँ से कोई क्लू मिल जाए कुछ पता नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी स्टेट बैंक वालों के ऊपर है कि वो। जी मुझे अंदाज़ा है इस बात का। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा सर। ओके बाबर भाई, थैंक यू, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके हस्बैंड नहीं आए आज? हाँ मुझे पता था पहला सवाल आप यही करेंगे। अरे नहीं, अगर आपने बुरा माना तो मैं सॉरी करता हूँ। नहीं नहीं, हम बैठ के बात करें। जी बिल्कुल बैठिए ना प्लीज़। खैर, ये भी कोई बात हुई नाराज़ होने वाली? बिल्कुल नहीं, सारे मर्द होते ही ऐसे हैं तंग नज़र। जी नहीं जनाब, अब ऐसा भी नहीं है। खैर और क्या बताऊँ आपको, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपसे इतनी अच्छी बात हो गई है तो सोचा कुछ फीलिंग ही शेयर कर लूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अरे नहीं नहीं जनाब, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे ऊपर एतबार करती हैं और हमसे अपनी बातें शेयर करती हैं। खबर क्या सुना रहे हैं ये बताएं। खबर ये है कि आपकी पसंद का कलर अरेंज हो गया है। ये हुई ना बात, बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए ठंडा लेगी कि गरम? इतनी अच्छी खबर के बाद तो लंच नहीं बनता। अरे क्यों नहीं जनाब, लंच मंगवा लेते। ये हुई ना बात, क्या खाएंगे आप कहिए। हेलो, कहाँ गुम हो गए? हाँ कुछ नहीं, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ। तो क्या ज़रूरी बात करनी थी जनाब ने? देखो सोनिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसा कि अचानक
एक अजनबी लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, और इत्तेफाक देखो, जब भी मुझे बैंक या उसके कॉल सेंटर से कॉल आती थी सर्विस लेने के लिए, मैं उनको झाड़ दिया करता था गुस्से में। खैर, टेढ़ी बात तो तुमने भी मुझसे की थी। नहीं जी, आपकी आवाज़ सुन के तो हम पिघल से गए थे। बस रहने दो। वाकई? खैर, काम की बात करो, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया, मैं पूछना चाहता था कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाकर। देखो सलमान, हमारी दोस्ती का भी टाइम ही कितना हुआ है, 1 महीना और 2 मुलाकातें। मैं चाहती हूँ कि हम इस रिलेशन को थोड़ा और टाइम दें ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें और फिर। जैसे आपकी मर्जी। और कुछ मंगवाएं? आइसक्रीम। तो ये सीन। हाँ, मान लो कि दोनों केसेस का आपस में कोई लिंक है। क्या आप बात कर रहे हो, एक फ्रॉड का केस है, दूसरा किडनैपिंग का। दोनों स्मार्ट केस है। बस दोनों केसेस में लड़कियां इन्वॉल्व हैं। तो क्या हुआ, लड़कियां क्या अकेली क्राइम नहीं कर सकती? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो साथी हैं आपस में? बिल्कुल, लड़कियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ग्रुप एक ही है। यार तुम बिला वजह में केस को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ, बजाने क्यों, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ग्रुप एक ही है। तुमने CPLC से रिकॉर्डिंग करवाया? हाँ, जिन नंबर पर ज़्यादा बात हुई है वो उसकी पुरानी कुलीग है। कॉन्टेक्ट किया उसे? अभी तक तो नहीं, लेकिन करूँगा। एहतियात से, ज़बरदस्ती किसी को भी इस केस में खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत मोहब्बत से मालूमात इकट्ठी करनी है। हमारा मकसद सिर्फ उन्हीं तक पहुँचना है जिन्होंने साथ दिया है, उन्हें हम बाद में भी धर सकते हैं। ठीक कह रहे, करते हैं ऐसा कुछ हो। अब बात हो सकती है काजम साहब? हाँ जी जी, बोलिए। आपके अकाउंट कैटेगरी के मुताबिक ना सिर्फ डेबिट कार्ड बल्कि क्रेडिट कार्ड पर भी आपको सहूलियात दी जा सकती हैं, मसलन के वैसे पूछनी तो नहीं चाहिए, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? जी पूछिए। आपका जॉइंट अकाउंट था आपकी वाइफ के साथ, आपने अलग करने की रिक्वेस्ट भेजी है, वो मेरा मतलब है कि हमारी सेपरेशन हो चुकी है। ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे अपने डेटा में भी ना थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, इस टॉपिक पे मैं ऑफिशियल नंबर से बात नहीं कर सकती, दरअसल यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होती है ना, मैं अपने पर्सनल नंबर से आपको फ़ोन कर लूँगी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ज़रूर ज़रूर। ओके बाय। तो आप ये कह रहे हैं कि दोस्ती की ऑफर आपने खुद की थी? जी। क्यों? बात करने का अंदाज पसंद आया। बड़ी बात है सर, एक लड़की की आवाज़ पे आप इतने फिदा हो गए कि आपने खुद को लुटवा दिया। जिन नंबरों पे आपसे उसकी बात हुई थी वो जरा लिखवाएं। ये वो नंबर है जिसे पहली दफ़ा रब्ता किया था सर्विसेज के हवाले से, और ये वो नंबर है जो मेरे इशरार करने पे उसने ये कह कर दिया था कि ये मेरा ज़ाती नंबर। तो कितने अरसे तक आपका फ़ोन पर रब्ता रहा? कुछ दिन। और फिर पहली मुलाकात कहाँ हुई? उसकी सालगिरह थी, वो सेलिब्रेट की थी जब। और फिर लुटने से पहले कितना मिलना जुलना रहा? बस तीसरी दफ़ा ये सब कुछ हो। आपको कभी कुछ एहसास नहीं हुआ इस बारे में? ये सब कुछ इतना नॉर्मल था कि इस तरह का गुमान ही नहीं हुआ। अच्छा, किडनैपिंग वाले दिन उस लड़की के साथ जो लड़का आया था वो कैसा था? अच्छा ये बताइए कि वो लबो लहजे में कैसा लगा?
मतलब कि कौन सी जबान बोलने वाला लगा था? उसने इतनी बात नहीं की, इसलिए कुछ अंदाजा नहीं। अच्छा, अगर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे तो क्या पहचान लेंगे? ज़्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन कोशिश करूँगा। तस्वीरें दिखाओ तो। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। बेफिक्र रहे, कोई नहीं पकड़ सकता। देख लो, आज से पहले कभी शिकायत हुई हमसे? ठीक है। वैसे करेंगे क्या इतने बड़े जाली पे ऑर्डर का? तुमसे मतलब? अब इतना भरोसा भी नहीं है हम पर। भरोसे की बात नहीं है, जिस काम के लिए भरोसा किया था वो काम हो गया। अब जरूरी तो नहीं हर बात बताई जाए। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, वो पेमेंट? ओ हाँ। ठीक है। पड़ोसी को बुला। जी, सोहेल का यही घर है? जी हाँ। कब से रह रहा है यहाँ? कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आया था, लेकिन कम कम आता है। कम कम आता है मतलब? सुना है कि ये फ्लैट किराए पे देने के लिए लिया था, लेकिन अभी तक कोई किराएदार नहीं आया। अच्छा, उसके साथ और कौन कौन रहता है? वो लड़का, उसकी बूढ़ी माँ। अच्छा, ये बताओ कि कैसी फैमिली है, मतलब कभी बातचीत हुई तुमसे? आदत किस तरह की? बदतमीज था, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी हमारी। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर लिखा है, ये जैसे ही आए तो चुपके से मुझे कॉल कर देना, समझे? ठीक है। वैसे इसने किया क्या है? आप अपने काम से काम रखें और जो कहा है वो करें। थैंक यू सोनिया, बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। अभी तो एक और सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा, गुड यार। हेलो। हाँ हाँ, इत्तफाक से हम उसी रूट पर हैं। तुम कहाँ पर हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। हाँ यार, मेरा एक कज़न है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या हम उसे घर ड्रॉप करते हुए जा सकते हैं? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। थैंक यू। चले ना सर, जरा निकाले ना सामान। सरप्राइज, दूसरा वाला भी दे दे। जल्दी कर लो यार। जल्दी कर लो।
मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, दोनों एक ही हैं। अब तुम्हारी बात में कुछ दम लग रहा है। तरीका वारदात एक ही है और फिर पता नहीं क्यों। चलो जब वक्त आएगा तो सब खुल जाएगा। और हमने कौन सा किसी एक को पकड़ना है, अलग अलग हाथ लगे या इकट्ठे, छोड़ना तो हमने किसी को भी नहीं है। सर ये कंप्लीट लिस्ट है सर। हॉस्टल वगैरह की लिस्ट है या इसमें वो भी शामिल है जो अलग से ले लेंगे? सर फैमिली के अलावा लड़कियां खावतीन इसमें रेंट पे रह रही हैं सर। सर उनके नाम, फ़ोन नंबर, NIC नंबर और घर के एड्रेस कंप्लीट लेके आया हूँ सर। गुड। सर ये लड़कियां रह रही हैं इसमें और ये लड़कियां छोड़ के चली गई हैं सर। ये जो अलग से रह रही हैं सर अब तक किया 10 से हुए सर। बाकी सर 3 का पता नहीं चल। क्यों? सर फ़ोन नंबर भी इनके बन जा रहे हैं और इनके NIC भी जली हैं सर। जिनके NIC जाली हैं वो दिखाओ मुझे ज़रा। सर ये देखिए, ये आया ना। इसको नादर से चेक करवाओ और डिटेल निकलवाओ। कोई फ़ायदा नहीं सर, मैं पहले भी मालूम कर चुका हूँ और पिछले केस में भी ऐसे NIC हमारे पास आए थे जिनका रिकॉर्ड सर नादर में था ही नहीं। इसका मतलब है सर कि इन लड़कियों ने असली शनाख्ती कार्ड बनवाए ही नहीं थे। हाँ हो सकता है। ये लीजिए जनाब, फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से चेक कर लीजिए। अरे आपने देख लिए हैं ना, मुझे आप पे भरोसा है। देखिए भरोसा अपनी जगह, लेकिन ये रिकंडीशन गाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ से ये होके आती हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, गलती हो सकती है। आपने सब चेक कर लिया है ना? जी मैंने तो चेक कर लिया है। तो बस मेरे लिए यही बहुत है। जी बेहतर। ये लीजिए अपनी अमानत। ए ऑर्डर, आप चेक नहीं बनवा सकते इसका? ओ आप पहले बता देते, अब तो मैंने बनवा लिया है। दरअसल कल सैटरडे है और उसकी वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकती, ये मंडे को जमा कराना होगा मुझे। जनाब चेक तो बाउंस भी हो जाता है पर पे ऑर्डर तो कैश होता है ना, अगर आपको भरोसा नहीं तो। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में परसों मुझे अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, वरना मैं पे ऑर्डर कैंसिल करके। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं, बस समझेंगे आपकी पेमेंट हो गई। तो फिर मुझे इजाज़त है, गाड़ी ट्रांसफ़र करना और दूसरे मामला सब आपकी जिम्मेदारी है, दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। बिल्कुल, ये लीजिए चाबी। अरे भाई क्या हुआ, शिकार हाथ लगा या ऐसे ही आ गए? ऐसा कभी हुआ है कि हम जाल बिछाएं और शिकार हाथ ना लगे? फंसने के बाद फड़फड़ाते बहुत हैं मगर बच नहीं पाते। और तुम सुना, तुम्हारा गेम कहाँ तक पहुँचा? गेम तो बस फाइनल राउंड पे है, अब तो बस आखिरी चाल चलना बाकी है। तुम दोनों की शक्लें देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इतना क्राइम भरा है तुम लोगों के दिमाग में। तू तो बड़ा मासूम है जब ही हमारे साथ बैठा हुआ है। मासूम ही था इसलिए तो फंसा लिया तुम लोगों ने। ओहो मासूम की शक्ल तो देखो। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है और इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही, प्लीज हेल्प करें। जी जी जरूर बैठे। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कौन से हॉस्पिटल लेके चलूं? किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। ये क्या है? ये पिस्टल है और इसमें गोलियां भी हैं और जरूरत पड़ने पर ये चल भी सकती है। तो ये बात है,
वैसे मुझे लूट के आपको कुछ मिलेगा नहीं, 1000-2000, और बाकी ये गाड़ी भी रेंट की है जो आपके किसी काम की नहीं। हाँ, तुम हमारे हिस्से की बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें क्या करना है हमें अच्छी तरह पता है। वैसे चाहो तो मुझे भी अपना पार्टनर बना सकते हो, मिलके काम कर लिया करेंगे। तुमने हमें पागल समझ रखा है क्या, हर रात चलते आदमी में भरोसा कर ले। मर्जी है तुम लोगों की, मैं तो ऑफर दे रहा था। अब बताएं कहाँ चलें? किसी रेस्टोरेंट में चलो, वहीं बैठकर बात कर लेते हैं। ये हुई ना बात। इरफान साहब जी, मालिक मकान है आप? जी मैं ही मालिक मकान हूँ। हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? जी आइए, तशरीफ लाइए। ये कोई जानने वाली थी आपकी? जी नहीं। फ्लैट तो आप ही नहीं दिया था ना किराए पर? जी हाँ। इन्होंने किसके जरिए आपसे रابطہ किया? वो जी एक स्टेट एजेंट है मेरा दोस्त। अच्छा, उसकी कोई रिश्तेदार थी? ये नहीं मालूम, लेकिन शायद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अरसे से जानता हूँ मैं उसे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो ज़रूर बताता मुझे। कब से जानते हैं उसे और क्यों? मतलब साथी दोस्ती है या काम के वाले से जानते हैं? असल में मेरे कुछ और फ्लैट्स भी हैं और दोस्त यारों के भी, तो जब भी कोई फ्लैट किराए पर देना होता है तो उसी की जिम्मेदारी होती है ये। वो जो फ्लैट आपने उन लड़कियों को दिया था, वहाँ कभी खुद गए थे? जी एक दो बार गया था, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी मालूमात तो रखते होंगे, कैसी हैं क्या चक्कर है? हाँ बस एक दोस्त ने बता दिया था कि एक पढ़ने लिखने आई है यहाँ कराची और दूसरी यहाँ जॉब करती है, पढ़ी लिखी थी तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। कोई आता जाता था वहाँ पर, मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं रिश्तेदार तो नहीं था, हाँ अलबत्ता स्टेट एजेंट की दोस्त थी वो, तो वो ज़रूर चक्कर लगाता था वहाँ। स्टेट एजेंट को फ़ोन करें जी। स्टेट एजेंट को फ़ोन करें और बुलाएं अभी यहाँ पर। जी अच्छा। हेलो, हाँ कहाँ हो? हाँ हाँ सब खैरियत है यार, अभी चक्कर लगा सकते हो यहाँ? कुछ अर्जेंट है, वो फ्लैट किराए पर देने का कहा था ना तुम्हें, उस सिलसिले में बात कर रही है। ठीक है जी, आधे घंटे में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक से चेक कर लेना, कुछ रह ना जाए। अरे यार बेफिक्र रहो। अच्छा वो तुमने फैसल का हिसाब क्लियर किया था? हाँ कर दिया था। और तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची? अरे वो तो अभी तक ओकाड़ा में बिक भी चुकी होगी। ओकाड़ा? ये कहाँ है? अरे ये पंजाब छंग से आगे है। और वो तुम्हारे नए शिकार तैयार है ना? यार तू तो जानती है मैं एट अ टाइम 2 से 3 शिकार फंसा कर ही रखती हूँ, पता नहीं कब पैसों की जरूरत पड़ जाए। शायद वो आ गए, मैं अभी लेकर आता हूँ। यार तुम्हारे हर काम बड़े जल्दी के होते हैं, कल मिल लेते। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा आपके वो फ्लैट्स हैं जो इरफान किराए पे देने की बात कर रहा था जी। एक बार दिखा तो दें फ्लैट्स। ज़रूर, अभी चलें? नहीं अभी तो मुझे थोड़ा सा काम है। काम हम छोड़ें अभी चलें, इसके बाद आपको कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मतलब ये मतलब आई बात समझ भाई, खयाबाने बदर जाने। सुनो, ये एड्रेस है, पढ़ लो। बार बार हम उतर कर देख नहीं सकते। फ्लैट्स में रहना रिस्क होता है सदा। कुछ पता नहीं कब कौन नजर रखे हुए हो। बेंगलोर में रहेंगे तो सिक्योर होगा। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, वो जगह सिक्योर तो है ना? अरे हाँ बिल्कुल। खैर, फैसल क्या कह रहा था? अरे यार, उसकी कॉल आ रही थी पर मिस हो गई, और दोबारा कॉल कर रही हूँ तो वो रिसीव नहीं कर रहा। भाई, मैंने बदर जाने का कहा था, ये कहाँ ले जा रहे हो? आगे से घुमा लूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अरे ये कहाँ ले आए हो? ये हमारा बंगला नहीं है। एड्रेस समझ नहीं आया था क्या? जिस रास्ते पे तुम दोनों चल रही थी ना, उस रास्ते पे आखिरकार यही आना पड़ता है। योर गेम इज ओवर, यू आर अंडर अरेस्ट। बाहर लौट टैक्सी। देखो लड़की, तुमने डॉन फिल्म देखी है क्या? मुझे जंगली बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं। अपने देखो जरा।